यूपी में रामपुर के थानास्वार पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमों का आरोपी लालता प्रसाद, जो कि गन्ने के खेत में अवैध रूप से शराब की भट्टी चलाता था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से शराब बनाने का सामान और 150 लीटर नाजायज शराब बरामद की गई है। इस संबंध में थानास्वार में 322/20 धारा 272, 273 और 60/62 आबकारी अधिनियम का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने लहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया है। यूपी के रामपुर में पहुंचे न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष द्वारा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय जांच हो रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में कोई भी जो आपराधिक घटना हो रही है उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ाई से निपटने के निर्देश दिए हैं। किसी भी स्तर पे हम अपराधी को बख्शेंगे नहीं। इस घटना की भी उच्च स्तरीय जांच हो रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। यूपी के रामपुर में हुई जनसभा में सपा के मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एस टी हसन फंसते नजर आए, क्योंकि उन्होंने सपा सांसद आजम खान की मदद करने की बात भी कही है। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा नेत्री और पूर्व सांसद जयप्रदा के करीबी किसान सेवा सहकारी समिति के चेयरमैन मुस्तफा हुसैन ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि रामपुर में सपा सांसद मोहम्मद आजम खान भूमाफिया और अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जिनके विरुद्ध 90 से ज्यादा मामले रामपुर जनपद में विभिन्न थानों में दर्ज हैं। उन पर महिलाओं के प्रति अशोभनीय टिप्पणी, शत्रु और किसानों और गरीबों की संपत्तियों पर सरकारी कागजातों में हेरा फेरी कर कब्जा करने के मामले दर्ज हैं। रामपुर में 9 अगस्त को गांधी समाधि पर समाजवादी पार्टी का धरना हुआ, जिसमें मुरादाबाद से सापा सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने धरना स्थल पर सापा कार्यकर्ताओं एवं जनता को आपराधिक व्यक्ति एवं भू माफिया मोहम्मद आजम खान का साथ देने का आह्वान करते हुए कहा था कि आप लोग घबराएं नहीं, हम आपके साथ हैं, लोकसभा अध्यक्ष आपके साथ हैं। उन्होंने माननीय लोकसभा अध्यक्ष का नाम का सहारा लेकर प्रशासन पर दबाव बनाया एवं धर्म की आड़ में मुसलमानों को भड़काने का प्रयास किया, जिससे रामपुर का गंगा जमुनी माहौल ख़राब हो सके और रामपुर में सांप्रदायिक दंगे भड़क सकें। इस मामले में मैंने माँ महिम राष्ट्रपति महोदय से शिकायत की थी, जिस पर शिकायत का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रपति भवन से उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस महानिदेशक को लिखा गया है कि इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाए। यूपी के मेरठ जोन के एडीजी राजीव सबरवाल बागपत पहुंचे, जहां उन्होंने जनपद के थाना बिनौली और कोतवाली बागपत का निरीक्षण किया और उन्होंने टॉप 10 सूची में अपराधियों की जानकारी भी ली और उन्होंने थाने में तमाम अभिलेखों को देखकर थाना प्रभारियों को अपराधियों पर सख्त शिकंजा कसने के आदेश दिए। ये जो मेरा निरीक्षण जितना था अपराध समीक्षा बैठक है, जो अभी हम उसके बाद जाके पुलिस लाइन में सारे लाइन अधिकारी बात करेंगे, इससे पहले मैंने थाना बिनौली और अभी ये थाना कोतवाली जो बागपत है इसका निरीक्षण किया। मेन उद्देश्य ये है कि जो थाने पर जो हमारा टॉप 10 की एक सूची बनी है और सक्रिय अपराधियों की सूची बनी है, उस पर प्रभावी कार्रवाई के लिए थाने स्तर पर क्या तैयारी की गई है। इसके लिए आपने देखा होगा कि सभी सब इंस्पेक्टर्स को बुला के एक एक से पूछा गया, जिसके थाने क्षेत्र के बारे में जो उनके यहाँ पे सक्रिय अपराधी या टॉप 10 के अपराधी हैं। यूपी के जालौन में कैलिया थाना क्षेत्र के हिंगोटा गांव में रखे विद्युत ट्रांसफार्मर से अचानक घरेलू लाइन में हाई टेंशन लाइन का करंट आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई ग्रामीण करंट की चपेट में आने से घायल हो गए हैं। वहीं ग्रामीणों के लाखों के उपकरण जलकर राख भी हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और नायब तहसीलदार संजय सिंह ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही करंट की चपेट में आए घायल ग्रामीणों को स्थानीय उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है।